हाय मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नए और फैंटास्टिक वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के जवाहर नवोदय विद्यालय के रिजल्ट के बारे में अपन बात करने वाले हैं कि भाई नवोदय विद्यालय का आप जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से चेकआउट करोगे। सारी जानकारी आप सभी को आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, कहीं पर भी आप इस वीडियो को जो है स्किप मत करिएगा। सो नवोदय विद्यालय का जबरदस्त ये वीडियो है। साथियों, इस वीडियो में आप सभी को तीन चीज़ें मिलेगी। पहली चीज़ कि नवोदय विद्यालय का रिजल्ट क्या जारी हो चुका है, तो इसका आपको आंसर है हाँ गाइज, आज के ही दिन यानी आज ही आप सभी का अभी जस्ट 10 मिनट पहले आप सभी का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। अब दूसरी चीज का आपको ये आंसर मिलेगा कि क्या नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आप किस प्रकार से चेक कर पाओगे, वह चीजों को आप सभी को जानकारी मिलने वाली है। तो आप कंटिन्यू इस वीडियो में पूरा देखिएगा। साथ ही आपको तीसरी चीज ये भी मिलेगी कि आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो चुका है या नहीं हुआ है, यानी ये तीनों चीजें आप सभी को जानकारी मिलेगी मात्र 3 मिनट की वीडियो में। तो आप कंप्लीट इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, कहीं पर भी आप इस वीडियो को जो है स्किप मत करिएगा। चलिए अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यहां पर मैं आप सभी को बता देता हूं कि रिजल्ट तभी चेक कर पाओगे जब यहां पर नीचे घंटे का निशान हो रहा है इस वीडियो के नीचे, तब तो आप चैनल को जो है मतलब कहने का मतलब रिजल्ट जो है चेक कर पाओगे। लेकिन अगर इस प्रकार का ब्लैक बटन का सब्सक्राइब बटन है तो आप जो है चेक नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, और साथ ही यहां पर ये देखो ये घंटे नोटिफिकेशन, अगर ये घंटे का नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप 100% जो है आप जो है रिजल्ट चेक कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर सब्सक्राइब कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मली आप सभी को गूगल पे जाना है। देखो मैं आप सभी को नया तरीका बता रहा हूं रिजल्ट चेक करने का, वीडियो पूरा देखिएगा। और आप सभी को सर्च करना है STUDYVILLAGE स्टडी विलेज। जैसे आप ये स्टडी विलेज सर्च करोगे उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर ये स्टडी विलेज का होम पेज का बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नॉर्मली जैसे आपने इस पर क्लिक कर दिया, ये जैसे मैंने क्लिक किया, हो जा क्लिक जल्दी से, हाँ जी, तो ये क्लिक कर दिया हमने, उसके बाद लिंक खुलेगा, बस हल्का सा वेट करिएगा आप। ये चल रहा है, जल्दी से खुल जाए सिम। तो ये साइट ओपन होने में हल्का सा वक्त ले सकती है। जैसे यहाँ पर ये देखो ये साइट ओपन हुई, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नॉर्मली नवोदय 6 का रिजल्ट कब आएगा इस पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि ये पोस्ट अभी तक अपडेट नहीं हुई है। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करना है हल्का सा, और इस पर यहाँ पर जाना है नवोदय 6वीं का रिजल्ट घोषित 2024, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन जैसे आप इस पर क्लिक करते हो ये एड आएगा, एड आएगा आपको हटा देना है। जैसे आप एड को हटाओगे फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद और नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर लिखा रहा है सिलेक्शन टेस्ट क्लास 6/6/2024 रिजल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एंटर योर रोल नंबर पे आपको अपने रोल नंबर डाल देना है, एंटर योर डेट ऑफ बर्थ पे आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। सबसे पहले अपन रोल नंबर डाल देते हैं, मान लेते हैं आपका रोल नंबर है 852379, ये आपने रोल नंबर डाल दिया। उसके बाद आपके डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया 2012 31 जनवरी, ये मैंने सेट कर लिया। इसी प्रकार से आपको रोल नंबर सेट कर लेना है और डेट ऑफ बर्थ सेट कर लेनी है। सेट करने के बाद आपको सबमिट पे ये जो बटन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आप आराम से अपना जो जिले का रिजल्ट है वो आप चेक कर पाओगे। अब देखो ये डेट ऑफ बर्थ जिस भी जिले की है, जिस भी बच्चे का है, उस जिले का रिजल्ट ही खुल गया। देखो ये जो था ये उत्तर प्रदेश वाले के बच्चे का था, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का, तो यहाँ पर उसका जो रिजल्ट है वो निकल गया। ठीक है, और उस बच्चे का सिलेक्शन भी हो गया जिसका रिजल्ट अपन ने निकाला उस तरीके का। अब आप देखो आप मान लो, और अगर आपका इससे रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो आप क्या करोगे, ये नीचे लिखा हुआ देखो हरियाणा के आसपास आपके जितने भी स्टेट है उसका रिजल्ट देखने के लिए आप क्लिक करें, भोपाल के आसपास जितने भी स्टेट है अगर आप उसके आसपास रहते हो उसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं, चंडीगढ़ में यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो, उत्तर प्रदेश वाले यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश वाले यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, साथ ही बिहार वाले यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, साथ ही गुजरात राजस्थान वाले यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और असम और उस साइड वाले लोग यहाँ पर क्लिक करके रिजल्ट देख सकते हैं, साथ ही अरुणाचल प्रदेश वाले भी इस पर क्लिक करके रिजल्ट देख सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस है साथियों नवोदय विद्यालय का रिजल्ट चेक करने के लिए। सबसे फर्स्ट प्रोसेस आपको यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को नीचे जो लिखा हुआ है वो सब्सक्राइब किया हुआ बटन दिखाना चाहिए, तभी आप जो है रिजल्ट चेक कर पाओगे। तो सबसे पहली प्रोसेस ये है कि नीचे सब्सक्राइब भी किया हुआ है तभी आप रिजल्ट देख पाओगे। सब्सक्राइब करके गूगल पे स्टडी विलेज सर्च करके रिजल्ट चेक करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करें, नए हो तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, तब तक लीजिए हिंद, भारत माता की जय साथी।